अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। चलिए जी, तो अब बनाते हैं हैंडमेड हर्बल हेयर डाई। मैंने अपने बालों के हिसाब से ये अपना हैंडमेड हर्बल हेयर डाई लिया है। मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं तो मैंने उस हिसाब से ये लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अब मैं इसमें तकरीबन 2 लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। ऑलमोस्ट लेमन जो है ये एज ए एक्टिवेटर काम करेगा, इसमें एज ए एसिड काम करेगा और इसको कलर को इन्हेंस करेगा, कंडीशन भी करेगा। अब मैंने इसमें हॉट वाटर डाला है, सर्दियां हैं तो हॉट वाटर डालें, गर्मियां हैं तो नीम गर्म पानी डालें। फिर मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको किसी प्लास्टिक से कवर में कवर करके, अच्छा इससे पहले मैंने अपना हैंड मेड हर्बल हेयर ऑयल जो कि इस किट के साथ आपको दिया जाएगा वो मैं इसमें तकरीबन 1 स्पून डालूँगी, ताकि आपके बालों में जो अकड़ हो जाती है डाई के बाद वो ना हो और आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉरिशमेंट हो। अब मैंने इसको कवर कर दिया है प्लास्टिक रैप से, तकरीबन इसको आप ओवरनाइट कवर करके छोड़ दो। सुबह आप पहली फुर्सत में इसको अपने बालों पे लगाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है माशाल्लाह से। और फिर आप इसको अपने बालों में सेक्शन सेक्शन करके लगाएं और इसको तकरीबन 30 मिनट्स तक लगाएं एज अ कंडीशनर। ये देखिए कितना इंस्टेंट कलर बहुत अच्छा आया है। ये देखिए मैंने कहा कि रोशनी में भी आपको दिखा दूँ। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है, उसके रिजल्ट्स देखें। मैंने सोचा कि आपको जिस जगह पे ज़्यादा रोशनी पड़ रही है वो दिखाऊँ, वो एरिया दिखाऊँ बालों का, ताकि आपको लगे कि डार्क ब्राउन ये जो कलर आया कितना अच्छा है। ताकि जी अपना ख्याल रखिएगा। ला